फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कि हिंदी के विकास क्रम का, हिंदी का विकास कैसे हो। जैसे कि हमने आगे देखा कि हिंदी के जन्मदाता कौन है, आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कौन है, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन, किसने किया, कहाँ किया, किस वजह से किया। ठीक, तो आज हम हिंदी का विकास क्रम देखेंगे कि हिंदी का विकास किस तरह से बढ़ता गया। ठीक, तो हम बात करते हैं हिंदी के विकास में। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, जिसको, जैसे कि आप लोगों को पता भी है, संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, देवलोक की भाषा थी, क्योंकि इसे देवी देवता भी इस भाषा का यूज करते थे, इसीलिए इसे हम देव भाषा या आर्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद पाली भाषा आई। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व तक चली। इस समय गौतम बुद्ध का शासनकाल था, जो भी उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने वो इसी पाली भाषा में थे। ठीक, उसके बाद प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा क्या थी, जो महावीर जी थे, जो 2400 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके समय में प्राकृत भाषा का यूज किया गया। उसके बाद जो कि 1 ईसवी से लेके 500 ईस्वी तक चला। फिर 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल आया, जिसमें अपभ्रंश भाषा का यूज हुआ। ठीक है, अपभ्रंश से ही अवहट निकली, जो कि लगभग 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक मानी जाती है। उसके बाद 1100 के बाद हिंदी का विकास हुआ। यह हिंदी प्योर हिंदी नहीं थी, इसमें मिश्रित हिंदी थी, क्योंकि इसमें अरबी, फारसी, उर्दू और इंग्लिश आदि बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर था, जिसे हिंदी रूप दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। अब पहली भाषा क्या थी, संस्कृत। तो संस्कृत बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि संस्कृत है क्या। अब देखो, इस संस्कृत भाषा में क्या हुआ, वेद, वेदांत और उपवेद, पुराण, उपनिषद एवं ये सब जो हैं, आदि जो हैं, ये सब इसमें लिखे थे संस्कृत भाषा में। और सबसे बड़े संस्कृत भाषा का हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मतलब संस्कृत भाषा का यूज कहाँ पे हुआ, तो ऋग्वेद में, क्योंकि सबसे पहले वेदों की रचना हुई। और वेदों में कौन सा वेद, ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, इसलिए हम संस्कृत सबसे पहले कहाँ मिला, तो ऋग्वेद में। अब देखते हैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, जैसे अर्थशास्त्र, इसको किसने लिखा, कौटिल्य ने। ठीक, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, कौटिल्य। अगला कामसूत्र, वात्सायन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, वात्सायन। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, जिसमें रसों का उल्लेख किया गया है ना, तो ये सब चीजें। रामायण, वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने। अब रामायण संस्कृत भाषा में है, इसका अवधी में अनुवाद किसने किया, तुलसीदास ने, रामचरित मानस ने। मानस में, रामचरित मानस में, जिस रामचरित मानस का सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है, बहुत बार पूछा गया। काव्य अलंकार भामा की है। ठीक, आगे हम देखते हैं संस्कृत भाषा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं। तो संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा कहा जाता है। ठीक, संस्कृत को हम आर्य भाषा या देव भाषा कह सकते हैं, और हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, क्योंकि लगभग सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है, लगभग। ठीक, तो हिंदी की आदि जननी कौन हो, जननी मतलब क्या, माता, जहाँ से निकली है। ठीक, तो कौन सी होगी, संस्कृत। अब हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन होगी, संस्कृत हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा स्टेप, अब संस्कृत से किस में पढ़ते थे, पाली में। अब दूसरा पाली, अब पाली क्या थी, 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईसा पूर्व तक थी भारत में। पाली भारत की प्रथम देव भाषा थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि पाली कैसी भाषा है, तो पाली भारत की प्रथम देव भाषा है, देश भाषा, सॉरी, ये प्रथम देश भाषा। देव भाषा कौन सी होगी, देव भाषा बात करेंगे तो संस्कृत हो जाएगी। देव भाषा क्या होगी, संस्कृत हो जाएगी। मगर पाली क्या है, देश भाषा, मतलब देश की पहली भाषा क्या है, पाली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देश भाषा, प्रथम देश भाषा कौन सी है, पाली। ठीक, अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में, इनके सारे उपदेश जो हैं, इनके ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बनता है, गौतम बुद्ध के समय में कैसी भाषा प्रयोग में आती थी, तो पाली भाषा। अगला हम देखते हैं प्राकृत, पाल के बाद प्राकृत, जो कि 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली। इसमें जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जी, उनके सभी उपदेश प्राकृत भाषा में ही थे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अपभ्रंश,
इसके बाद क्या आया अपभ्रंश। अपभ्रंश कितने से कितने चला, 500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या, अपभ्रंश मतलब होता है गिरा हुआ या पतन, जो पतन की ओर चले। ठीक, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले पतंजलि ने किया, ये चीज याद रखना होगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, पतंजलि ने। अब अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन थे, स्वयंभू थे। इन्हें क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता था। ये सबसे प्राचीन कवि माने जाते थे, अपभ्रंश साहित्य के सबसे प्राचीन कवि माने जाते थे। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, पौमचर्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है पौमचर्यू। स्वयंभू, स्वयंभू की रचना क्या है, पौमचर्यू। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता था, क्योंकि अपभ्रंश भाषा का शुरुआत लगभग लगभग इन्हीं के द्वारा की गई, बहुत बड़ा योगदान था। दूसरे पुष्पदंत, इन्हें अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का प्रणेता कहते हैं। इनकी जो रचना थी महापुराण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राय कुमार चरयू, जसहर चरयू, ये तीन इनकी रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अगले कौन होते हैं, धनपाल। इनकी रचना भविष्यत कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। धनपाल की भविष्यत कहाँ को अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य माना गया। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य क्वेश्चन आएगा, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है, तो भविष्यत कहाँ किसके द्वारा रचित है, धनपाल द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं अपभ्रंश में साहित्य रचना का सर्वप्रथम उल्लेख बल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख में मिलता है। अगर पूछते हैं कि अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेखों में मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं हेमचंद्र ने देशी शब्द संग्रहों नाम से एक कोश नागर अपभ्रंश में लिखा, जिसे अपभ्रंश का व्याकरण कहते हैं। मतलब अपभ्रंश का व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया, हेमचंद के द्वारा। ठीक, अब देखते हैं अपभ्रंश उत्तर भारत में प्रचलित हुए, अपभ्रंश से हुआ क्या। अब देखो अपभ्रंश के भेद कितने, उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद प्रचलित हुए। अपभ्रंश का तो जिनसे भाषाएं निकलती हैं, जैसे पहले सौरसेनी, सौरसेनी भाषा से कौन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, बहुत इंपॉर्टेंट कि सौर सैनी से कौन सी भाषाएं निकली, सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निकली, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। अगला पैसाची, पैसाची से लहिंदा या पंजाबी, ये 2 भाषाएं निकली। अगला ब्राचड़, ब्राचड़ से सिंधी, सिंधी भाषा जो सिंध प्रांत की थी, तो ब्राचड़ से सिंधी भाषा निकली। खस से, जो भी पहाड़ी क्षेत्र की भाषाएं होंगी वो खस, इसका अपभ्रंश क्या होगा, खस होगा। महाराष्ट्रिक अपभ्रंश से महाराष्ट्र की मराठी भाषा। अर्धमागधी, ये पूर्वी हिंदी जो यूपी के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी। ठीक, अगला देखते हैं मागधी से बिहारी, जो बिहारी 3 भाषा है, मैथिली है ना, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये किस अपभ्रंश है, मागधी। बंगाली की जो भाषा है, उड़िया और असमिया, असम की जो भाषा है, सब किससे निकली है, मागधी से। ठीक, अब बात करते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा मतलब अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक, भोला शंकर ने अपभ्रंश को अवहट्ट का नाम दिया, जो हमारे प्रमुख आचार्य थे भोला शंकर, उन्होंने अपभ्रंश को। ठीक है, अब अगला होता अवहट्ट। अवहट्ट क्या है, अवहट्ट हम देखें तो अपभ्रंश से ही निकला हुआ, उसी का परिवर्तित रूप दिया गया। ठीक है, तो अपभ्रंश के ही परिवर्तित रूप को अवहट्ट नाम दिया गया। ठीक, अब देखते हैं अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो विद्यापति ने। विद्यापति एक बहुत बड़े राइटर थे जो कि बिहार में रहते थे। ठीक, तो विद्यापति ने किया था किसमें, कीर्तिलता में। अगर क्वेश्चन आता अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में हुआ, तो कीर्तिलता, कीर्तिलता में। ठीक, कीर्ति लता में किया गया। और दूसरे अपभ्रंश के कवि थे अब्दुल रहमान, उनका क्या था, संदेश रासक। और हाँ एक चीज़ और है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद लास्ट चरण क्या था, हिंदी। लास्ट चरण क्या था, हिंदी। अब हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी एक फारसी शब्द है, जो कि पता है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सब क्या है, फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। ठीक, अगर आता है हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, इसी याद रखना। अब क्वेश्चन एक बनता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई, तो 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मानक हिंदी क्या होती है, मानक हिंदी का तात्पर्य किससे है, तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा से, जिसमें साहित्य लिखा जाएगा जिस भाषा में, वो क्या होगी, मानक हिंदी होगी। अब हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग
हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कैसा शब्द प्रयोग है, मतलब हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता, तो हिंदी उर्दू से मिश्रित भाषाओं के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया जाता, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है हिंदी और उर्दू दोनों है। ठीक, 26 जनवरी 1968 में हिंदी को सरकारी कार्यालयों में, मतलब सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए मतलब लिया गया। ठीक, और 1989 में उर्दू को अपनाया गया। तो इसीलिए मतलब हिंदी उर्दू से मिश्रित भाषा के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली। ठीक, अगला देखते हैं, भारत में हिंदी भाषी राज्य, मतलब भारत में हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती, तो हम कितने राज्यों में बताएंगे, 9+1। अब प्लस वन किस लिए, क्योंकि 9 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला हमारा यूपी, उत्तराखंड या उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं हिंदी दिवस के रूप कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया था, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को किस लिए, क्योंकि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष को 14 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर, 14 सितंबर को सॉरी, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान में रखें। ठीक, अब एक होता है ये तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो गई, मतलब हिंदी दिवस का हो गया। अब एक विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था, तो उसके बारे में हम देखेंगे, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, मतलब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच। तो इसीलिए जो 10 जनवरी है, इसीलिए जो 10 जनवरी है उसको हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर।